संक्रमण से संक्रमित होके वाला संख्या जो हो बटे वो अपने के कुछ देर पहले हमने के ताजा अपडेट आयल खटे तीन जना में थप कोरोना वायरस के संक्रमित पुष्टि हुई बटे और संक्रमित के संख्या जो हो बटे 49 हो चुकल बा संक्रमित के संख्या जो हो बा वो 49 को हो चुकल बा कुछ देर पहले के हमने के ताजा अपडेट आयल बटे ये अपडेट अनुसार हमने के संक्रमित संख्या जो हो टोटल अपने के 249 वो व्यक्ति में कोरोना वायरस पुष्टि हो गई बा नेपाल में अभी कुछ देर पहले के अपडेट अपने के रहा जोन ताजा अपडेट अनुसार अपने के अभी तक कोरोना वायरस के पुष्टि भेल व्यक्ति नेपाल में 249 गो रहल बा जोन अभी के ताजा जोन तीन गो व्यक्ति में कोरोना वायरस के पुष्टि भेल बा उ लोग के भी हमने के जानकारी कराम छन कौन जगह के रहल बा और कहाँ के तीन गो व्यक्ति में विशेष पुष्टि भेल बाटे ई विशेष तीन गो व्यक्ति में जोन पुष्टि भेल बाटे ओमे अपने के काठमांडू के वैसे अपने के धादिंग के और धनुषा के रहल बा लोग तीन जना लिखल बाटे अपने के जोन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा जोन विज्ञप्ति सब जारी होला ओमे अपने के जानकारी करावल गेल बाटे काठमांडू धनुषा वैसे अपने के काठमांडू अपने के धादिंग वैसे धनुषा के थप तीन जना में कोरोना संक्रमित पुष्टि भेल बाटे और एकरा लगते स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के अपने के देल जानकारी अनुसार अपने के संक्रमित के संख्या अब 249 पुगल बा काठमांडू के दसो चौक वैसे अपने के धनुषा के जनकपुर धनुषा के जनकपुर वैसे अपने के धादिंग में कोरोना के पुष्टि भेल बाटे और काठमांडू के अपने के दसो चौक में 7 वर्षीय बालिका कोरोना संक्रमित भेल बानी अपने के 7 वर्षीय बालिका कोरोना संक्रमित भेल बानी अपने के काठमांडू के जन संक्रमित रहल बानी अभी के जो जानकारी हमने किया रहल बा और इस जानकारी के साथ साथ में अपने के नेपाल में विभिन्न जगह पे का अपडेट रहल बा ऊपर भी हमने के विशेष बात करम छन और पर्सा जिला के विशेष जो अपडेट रहल बा ऊपर भी बात करम छन नारायणी अस्पताल के हमने के अपडेट जरूर छन नारायणी अस्पताल में एगो नर्स में संक्रमण देखला के बाद में होटल जे रहल बाटे खाना जाना होटल में सब डॉक्टर लोग के और नर्स लोग के रह के व्यवस्था मिलावल गेल रख उ होटल खाना देवे के अभी बंद कर दिले बा वहाँ पे खाना जो बा वो ना देते रखटे और खाना के जो रखटे सेवा सुविधा बंद कैले के कारण से आज के कुछ काम सब भी अवरुद्ध भेल बाटे हमने के ये भी जानकारी मिलल बाटे और साथ साथ में विभिन्न जगह के जो अपडेट आ रहा बा वो भी हमने कराइए रहा हमने के अपने के बीच में इस जानकारी रहा जानकारी भी रखे चाहे सर बिरगंज में कोरोना संक्रमित सबके उपचार के करे के क्रम में नारायणी अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी में भी स्वास्थ्यकर्मी के अपने के विशेष करके खाना वैसे अपने खुआवे के और होटल के अपने के विभिन्न जन सुविधा रहल बाटे वो अपने के संपूर्ण अपने के बंद कल गेल बटे अपने के बिरगंज में कोरोना संक्रमित एगो व्यक्ति में देखला के बाद में वैसे अपने के संक्रमित के उपचार के खटल नारायणी अस्पताल के चिकित्सक नर्स सहित अपने के स्वास्थ्यकर्मी में भी बिरगंज महानगर पालिका के कंटिनेंट कंट्री इन होटल में अपने के चैत्र 27 गते से खाना वैसे ही रह के अपने के प्रबंध मिलावल गई रहे जेमे अपने के बिहार बिहान के होटल के अचानक खाना खियावे के ना सकेम कह के जवाब स्वास्थ्यकर्मी के देला के बाद बुधवार साँझ में आकस्मिक एक नर्स के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल रहे जेमे से अपने के उहे डर के लेके होटल के कर्मचारी अस्पताल होटल के कर्मचारी अपने के अस्पताल के कर्मचारी लोग के अस्पताल के कर्मचारी लोग के खाना खियावे से इनकार कैले रखल ई भी हमने के जानकारी अपने के मिल रहा बाटे जो अभी के जानकारी आ रहा बाटे स्वास्थ्यकर्मी के खाना खियावे के अभी ना मिलला के कारण से स्वास्थ्यकर्मी लोग भी तनाव में आ रखल वैसे अपने के होटल के संचालक के अब स्वास्थ्यकर्मी लोग के खाना खुआवे के ना सके के बतावल गए रहे जिनमें से जरा कारण से अस्पताल के चिकित्सक नर्स लगाए अपने के स्वास्थ्यकर्मी लोग करीब 30 जना के अपने के बिही बार बिहान से ही खाना ना खैला के पावे के रहल बा लोग वैसे अपने के बिहान बिही बार ही बिहान के नाश्ता दे के ओकरा बाद में अपने के ओकरा बाद में अपने के हमी खाना हमनी के खाना ना दे सकें सन कह के होटल साहू के जवाब आई रहा हटे अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर उदय नारायण सिंह अपने के विशेष अपने के जानकारी करेंगे वैसे अपने के बिहार के बिहनिया ही अपने के स्वास्थ्यकर्मी के खाना खाए के ना मिलला के कारण से भी होटल के अपने के जनरल होटल में ही खाना ना मिलला के कारण से महानगर पालिका
अपने के बाहर ना महानगरपालिका के बाहर में ही विशेष करके खाना के सहयोग के व्यवस्था मिलावल गए महानगरपालिका द्वारा, जो सहयोग के अभी खाना होटल से ना मिलला पर जे भी होटल के कर्मचारी रह लोग भी तनाव में आए रख लोग, ये भी हमने जानकारी अपने के बीच में रख रहा सन। और साथ साथ में अपने जोड़ के जान सन संक्रमित सड़े के डर के कारण से अपने के स्टाफ के खाना पकाव के जनरल बाटे मना कैल भी जानकारी अपने मिलल खटे। कंट्री इन होटल के संचालक हरि पंत जानकारी अपने के हरि पंत एक जना नर्स के संक्रमण भेटला के बाद में संक्रमण सरे के डर के कारण से होटल के स्टाफ के खाना पकावे के खुआवे के खियावे के ना मिले के स्वीकार कैल वन। अस्पताल के एक नर्स में संक्रमित भैला के खबर आवते ही स्टाफ डरा के डराइल बा लोग, उसे खाना पकावे के मानत नहीं के लोग कहके वहाँ के जानकारी देनी है। तीस पैंतीस जना के एकले पकावे के खुआवे के स्टाफ सब डराइल बा लोग, खुआवे के ना संभव रहल वहाँ के जानकारी करनी है। उसे अपने के होटल के स्टाफ के खाना पकावे के ना मिलला के बाद में अपने बिही बार के ही अपने के मनाही कर प्रमुख अपने के विजय महानगर पालिका के प्रमुख विजय सरावगी के फोन करके भी स्वास्थ्य कर्मी लोग खाना खुआवे ना सकें कह के खबर भी वहाँ के पंत अपने के जानकारी कर लेनी है। वैसे अपने के महानगर भी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी लोग के टोली के होटल में खाना खाए के रहे के व्यवस्था ही मिलावे के अपने के होटल मात्र अपने के देवे के वहाँ के बतनिया। वैसे अपने के लेकिन खाना खियावे ना सके के जानकारी करनी है वहाँ के महानगर पालिका के प्रमुख विजय सरावे के होटल के जे संचालक रहानी मालिक रहानी वहाँ के जानकारी भी करनी है। बीरगंज महानगर पालिका नगर प्रमुख विजय सरावगी होटल के खाना देवे के ना सके के करके पछिला महानगर के ही अंत्य में अपने के जनरल बटे संपूर्ण खाना भेजावे के तैयारी भी स्वीकार कैनी है। उसे अपने के जो खाना सब रख हटे वो सही ना भैला के कारण से कर्मचारी लोग ना खेलक लोग फिरता भी खेलक लोग, ये चीज़ भी हमने के जानकारी मिलल हटे। डॉक्टर साहब लोग के खाना मन ना पड़ला के कारण से वो खाना फिरता भैल ख ये भी हमने के जानकारी मिलल हटे। और पुण्य होके बाद में विभिन्न सहयोग संस्था लोग मिलके और खाना पीना के वहाँ के खाना के व्यवस्था मिला रहा ये भी हमने के जानकारी अभी प्राप्त हो रहा बटे। और जाना कारण से बीरगंज में जौन कहा जाए नारायणी अस्पताल के चिकित्सक लोग के समस्या में पड़ला के कारण से भी बहुत सारा टेस्ट आज होके के जौनल बटे अवरुद्ध भैल ख। साथ साथ में संचारकर्मी लोग के भी टेस्ट बाकी रहल बटे, वो संचारकर्मी लोग के भी जौन आज के टेस्ट होके वाला रख उनमें से बहुत संचारकर्मी लोग के टेस्ट आज नहीं के हो पाए, ये भी हमने के जानकारी प्राप्त भैल कटे। और ये समस्या पड़ला के बाद में समस्या के समाधान करते हुए और पुनः बिहान से जौन बटे जितना भी संचारकर्मी लोग बाकी रहल लोग संचारकर्मी के और साथ साथ में डॉक्टर लोग के भी जानकारी भैल कटे अपने के जे डॉक्टर लोग के भी टेस्ट जौन बटे जर बाकी रहल बिहान अपने के सुचारू रूप से टेस्ट शुरू हुई कहकर भी हमने के जानकारी मिलल ख। और विशेष अपने के अपडेट जौन आयल कटे अभी तीन जना में थप कोरोना वायरस के संक्रमित के जौन अपडेट आयल वो अपडेट अपने के बीच में करनी है सन। थप तीन जना में कोरोना वायरस के संक्रमित अपने के काठमांडू के धादिंग के और धनुषा में करके अपने के तीन जना संक्रमित भैल कटे, जिनमें से काठमांडू के 7 वर्षीय बालिका रहल बनी ये अपने के जानकारी हमने करा रहा है। प्रत्यक्ष प्रसारण से अपने के बीच में और हरेक पल अपने के बीच में ताजा अपडेट लेके हमने के उपस्थित हो गई सन। अभी के क्रम में विभिन्न जगह के जन अपडेट रहल बा ये अपडेट भी कराओ के क्रम में बनी सन। वैसे अपने के विभिन्न जगह के जन अपडेट रहल बा ये अपडेट कराओ के क्रम में अपने के कौन जगह पे कितना व्यक्ति लोग के अभी उपचार हो बटे वो भी अपने जानकारी कराम सन। साथ साथ में कौन जिला में कितना व्यक्ति लोग रह लोग वो भी अपने के अपडेट कराम सन के विशेष अपडेट कराम सन। साथ साथ में कौन व्यक्ति के कौन दिन अपने के कितना गति से उन लोग के उपचार शुरू भेल और कब तक उपचार भेल बा कितना दिन के अंतराल में ये भी अपने के जौन अपडेट सब रह विभिन्न जगह के अपडेट अपने के बीच में हमने के करेबे कराम सन। और अभी के क्रम में हमने के अपडेट कराओ के क्रम में विभिन्न जगह के अपडेट जौन रहा उनमें जोड़े हमने के जो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अपने के प्रेस मीट होके ला अर्थात अपने के रेगुलर जौन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा विशेष प्रेस विज्ञप्ति जारी होखेला ऊपर भी हमने जानकारी कराम सन। प्रेस विज्ञप्ति जौन जारी होला उसमें साथ साथ में अपने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विशेष करके
स्वास्थ्य मंत्रालय के भीतर अपने के संचार कर्मी के प्रवेश निषेध कर गई बा और सूचना भी देवे से इनकार कैलक लोग जैसा जौन हमने के जानकारी मिलल खटे और विशेष करके अपने के प्रेस काउंसिल द्वारा अपने के जानकारी मिलल खटे वैसे अपने के विशेष अपने के अपडेट जौनल बाटे अभी के जानकारी अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा अपने के विशेष जानकारी आल बाटे कि कोरोना वायरस सिर्फ अपने के वृद्धा के या बड़ के नहीं होत कहके ये अपने के कोई भी उम्र के व्यक्ति के हो सकता है ये हमने के जानकारी मिलल बाटे। और अपडेट में हमने के बानी सर विशेष अपडेट में हमने के साथ में हमने के श्रोता लोग भी देख रहा बा लोग ज्ञानेंद्र सिंह जी हमने के देख रहा बानी अब का होई लोग में चेतना संपूर्ण मात्रा में हुई तो नहीं के और कोई जन बुझ के अनजान बनता लोग एकदम वहाँ के कमेंट कर रहे उसे हमने के विभा मेहता मैम देखती है नमस्ते मैम उसे हमने के बसीर खान जी हमने के लिखले बनी आज बीरगंज में कारफू लागल बाकी सर फ्रॉम दुबई से एकदम अभी बीरगंज में कारफू लागल बाटे कारफू नहीं लागल निषेधाज्ञा जारी हुई बा बीरगंज में ये अपडेट अपने करा रहे कि अपने कारफू नहीं लागल लेकिन निषेधाज्ञा जारी रह बीरगंज से अगर बात कर तो निषेधाज्ञा जारी रह बीरगंज में कारफू अपने के नहीं लागल उसे अपडेट कराबे क्रम में हमने के साथ में बानी मकसूद अली जी हमने के रिप्लाई वहाँ के पीले बानी बसीर खान जी के रिप्लाई के लिए कि कौन जगह भाई वहाँ के रिप्लाई के लिए और उसे अपने के मंसूर मकसूद अली जी के हमने के साथ में देखत भी रहनी उसे हमने के साथ में मेघनाथ श्रेष्ठ जी हमने के देखत रहनी साथ साथ में हमने के राहुल यादव जी विवाह मेहता उसे दूजना अदर लोग हमने के साथ में देख रहा बा लोग संपूर्ण में हमने के अपडेट करा के क्रम में मानसन विभिन्न जगह के जो अपडेट आ रहा बा पर्सा जिला के विभिन्न जगह के जो अपडेट आ रहा बा वो भी हमने के करा रहा है साथ साथ में पर्सा जिला के सबसे अभी के बड़का बाध्यता रहा बटे कि पर्सा जिला में इतना निजी अस्पताल रहला के बावजूद भी पर्सा जिला में अपने के इतना निजी अस्पताल बड़ा बड़ा अस्पताल सब संचालन भेला के बावजूद भी अभी कोरोना वायरस के खातिर अस्पताल सब के नाम मिलला के कारण से अपने के आइसोलेशन के व्यवस्था विद्यालय सब में कल जा रहा बा जो एकदम विडम्बना के अभी के अवस्था रहल बाटे विभिन्न व्यक्तित्व लोग विभिन्न विज्ञ लोग के ई जानल बाटे कहावत भी आ रहल बाटे कि अभी के समय में अजन जितना बीरगंज के अपने के पर्सा जिला के जितना अस्पताल सब रहल बा ये सब पैसा कमाए के ही खातिर ही रहल बा कहके जब पैसा कमाए के समय रहल बाटे वो समय में ही मात्र अस्पताल सब संचालन में रहता और जब अगर जरूरत पड़ता है सहयोग करे के और सहयोग के समय में ही अस्पताल सब कहाँ जा रहल बाटे कहके बीरगंज में संचालन रहल ये संपूर्ण अस्पताल के अवस्था अभी के कैसन रहल बा कि स्कूल में अपने के अभी आइसोलेशन बनावे के व्यवस्था मिलावे के पड़ रहा बाटे ये भी हमने के जानकारी करावे के चाहम सन कि स्कूल में काहे अवस्था मिल रहा बाटे बनावे के विशेष अगर बात कर जाए तो स्कूल में अवस्था काहे मिल रहा बाटे बनावे के कि बीरगंज में इतना अस्पताल सब संचालन मिले के का फायदा भाई अगर स्कूल में ही बनावे के पड़ल क्वारंटाइन अगर बनावे के पड़ गई स्कूल में ही अगर आइसोलेशन बनावे के पड़ गई स्कूल में ही अगर बीरामी के उपचार करे खातिर व्यवस्था में लागू पड़ रहा बा तो इस चीज के हमने के बीरगंज में रहल इतना अस्पताल सब कहिया काम आई और इतना अस्पताल सब कौन खातिर काहे खातिर बाटे कौन समय खातिर बाटे ये भी विशेष विज्ञ लोग के भी जानकारी हमने के प्राप्त भेल बाटे और विशेष के विज्ञ लोग के भी जानल बाटे उ लोग के भी कहा नाम रहल बाटे कि अइसन जगह के जौन अस्पताल के ही हब बनावल गेल बा अस्पताल ही अस्पताल से बनल बा वैसन समय में बीरगंज के कहल जाए कि स्कूल में क्वारंटाइन स्कूल में ही अस्पताल विद्यालय रहल बाटे अभी के समय में अगर जब लॉकडाउन अगर खत्म भी हो रहल बाटे विद्यालय सब संचालन करे के भी समय आ रहल बा तो वहाँ पे जौन अवस्था में क्वारंटाइन बनावल गेल बाटे जौन अवस्था में वहाँ पे आइसोलेशन के व्यवस्था कर बा तो उस समय में उस जगह के कैसे पुनः ओकरा संचालन कर जाए ये भी बहुत विडम्बना के समय रहल बा और साथ साथ में अपने के बात कर जाए तो ओकरा जगह पे जौन अपने के धर्मशाला सब बा ओके यूज कर सकल जाता निजी धर्मशाला सबके भी भाड़ा में लेके यूज कर जा सकताटे लेकिन उ चीज के महानगर नहीं ध्यान देत और विशेष अपने के ध्यान जौन रहल बाटे स्कूल सब पर जौन ध्यान दे रहल बाटे ये भी विडम्बना के समय रहल बाटे जौन हमने के विशेष विज्ञ लोग के भी जानकारी आ रहल बा हमने के साथ में निजामुद्दीन सोमानी जी हमने के देख रहल बानी वहाँ के भी लिख रहल बानी नारायणी हॉस्पिटल के केंद्रीय अस्पताल बनैला के बावजूद भी आज वेंटिलेटर में तीन थान मात्र बा 100 से भी ज़्यादा मरीज के इलाज हो रहल बा कहीं से वेंटिलेटर के कोनो मरीज खातिर बहुते ही जरूरी बा आगामी तो पोखरा खुनाई आग लागी तो पोखरा खुनाई वहाँ के लिखे के चढ़े बने आग लागी तो पोखरा खुनाई
तब तक बहुते क्षति हो जाई। सीटी स्कैन मशीन भी 11 महीना से सुचारू नहीं थे। इस बात पर भी दुर्भाग्य के बात रहल बा एकदम। अपने के हमने के देख रहा बन सन और अपने के अपडेट भी करा रहा सन घड़ी घड़ी में कि हमने के विशेष विज्ञ लोग के जन कहा नाम भी आ रहा बा। अपने भी कमेंट पढ़ सकता नहीं से अपने के जनरल बटे निजामुद्दीन सुमानी जी के अपने के जन कमेंट रहा बा वहाँ के भी जानकारी दे रहा बनी कि अभी तक 3 थान मात्र अपने के जनरल बटे वेंटिलेटर के सुविधा रहा बा और अभी के सहयोग के संख्या में मरीज के इलाज हो रहा बटे। दोनों प्रदेश के ही हब बनावल गए बटे अपने के विशेष अगर कहा जाए तो नारायणी अस्पताल के। और उसी समय में भी अगर देखा जाए तो अपने के वहाँ पे विशेष करके जानकारी हमने कराई सन कि अपने के जो अपडेट रहा बा वो अपडेट भी कराम सन। कोरोना हो सकता, कोरोना वायरस के संक्रमण हो सकता है पर हमने बातचीत करम सन। और स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के विशेष अपडेट जो है बा वो अपडेट में अपने के रहा बा कि कोई भी समूह के अगर आदमी बा ओकरा कोरोना वायरस हो सकता, सब अपने के सब समूह के व्यक्ति लोग के कोरोना वायरस हो सकता। ये विशेष अपने के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के विशेष अपने के आज विज्ञप्ति द्वारा अपने जारी भल कटे। सब समूह के सब उम्र के समूह के व्यक्ति लोग के कोरोना संक्रमित के खतरा रहल बाटे कहते अपने के सचेत कराते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अपने के आग्रह रहल बाटे। नियमित पत्रकार सम्मेलन में बोलते मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा इतना आग्रह कैनी है वैसे अपने के नेपाल में संक्रमित देखला के बाद में बहुत ज़्यादा अपने के 20 से लेके 50 वर्ष के उम्र समूह ही रह बटे प्रवक्ता देवकोटा कहनी है। वैसे अपने के उम्र के समूह में व्यक्ति व्यक्ति के अगर संक्रमण ना हो सकी कह के जन रह बटे ये गलत रह बा। सब के सचेत करते हुए सजग रहे के भी वहाँ के आग्रह कहनी है। वैसे अपने के बिही बार तीन जना में अपने के जनरल बटे कोरोना पुष्टि भैला के बाद में काठमांडू में अपने के 32 वर्षीय पुरुष वैसे अपने के कपिल वस्तु में 6 वर्षीय बालिका वैसे अपने के राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला और वैसे अपने के नवरप्रासी के 49 वर्षीय अपने के पुरुष के अपने के भरतपुर के अपने कोरोना अस्पताल में PCR नमूना परीक्षण कैला पर रिपोर्ट जनरल बटे वो अपने के पॉजिटिव आयल रख। प्रवक्ता के देवकोटा अपने के एक संगे अपने के 158 गो पुरुष और 158 गो पुरुष और 48 गो अपने के महिला रहल वालों कह के वहाँ के जानकारी करनी है जिनमें से 35 जन अपने के ठीक होके संगे घर अपने के फरकल के अवस्था भी वहाँ के जानकारी करनी है। और टोटल अपने के जन रहा का कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या जन रहा कटे वो अपने के 246 पहुँच रहा 3 जना और थप होके अभी कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या जन रहा बटे वो अपने के कोरोना वायरस के संक्रमित संख्या 249 पहुँचा बा। मंत्रालय के अनुसार अपने के अभी के PCR परीक्षण में 2664 अपने के नमूना परीक्षण कर गई बा। परीक्षण में अपने के 24 घंटा के PCR विधि से अपने के 1363 जना के नमूना संकलन कर गई हटे। नेपाल में माघ 14 गते PCR परीक्षण शुरू कैल गई रहे जिनमें प्रवक्ता देवकोटा अपने के अनुसार PCR विधि के अभी तक 62,300 PCR विधि से अपने के 62,327 नमूना परीक्षण भी कैल गई बा। पिछला अपने के 24 घंटा में अपने के 2,800 RDT अपने के परीक्षण भी कैल गई बा। वैसे अपने के RDT परीक्षण अपने के चैत्र 19 गते से शुरू भइल रहे वहाँ अनुसार अपने के अभी के समय में क्वारेंटाइन में 15,600 व्यक्ति रहल वालों। तो वैसे अपने के आइसोलेशन की अगर बात कही जाए तो वहाँ के अनुसार अपने के उपत्यका भीतर अपने के 6 और उपत्यका के बाहर 266 जना करके और टोटल अपने के 272 जना अभी के विशेष करके आइसोलेशन में रहल वालों। ये भी वहाँ के जानकारी करनी है। इस जानकारी के साथ साथ में विभिन्न जगह जो अपडेट रहल बा जो चामसन और साथ साथ में अपने के बात कर जाए अगर संपूर्ण जगह के कितना कौन जिला में कितना अपडेट रहल बा ऊपर भी हमने के बात करम सन। कौन गत्ते में और कितना व्यक्ति के संक्रमण देखल गए ऊपर भी हमने के जानकारी करम सन। कहिया और कितना जना के कोरोना संक्रमित देखल गए ऊपर अपने के जानकारी करम सन। नेपाल में हाल तक कोरोना संक्रमित के संख्या जनल बा 249 पुगल बा। बिहीबार दिवसों मात्र अपने के थप 3 जना में और अपने के साँझ में 3 जना में करके थप अपने के भई रहे जिनमें अपने के जनसंख्या जन
जनसंख्या मंत्रालय अपने के विशेष जानकारी के अनुसार नेपाल में गत अपने के माघ नौ गते अपने के पहल का कोरोना संक्रमित अपने के चीन से अपने के फर्कल रनी जो पुरुष रनी उनका में अपने के वो पुरुष के संक्रमण देखला के बाद में दो महीना के अपने के फ्रांस में रहल एगो युवती फ्रांस से आई एगो युवती में देखल गए रहे पहलका व्यक्ति के संक्रमण देखला के अपने के देखला के 120 दिन के बाद में आज भी अपने के जनहर बाटे 249 जना संक्रमित अपने के हो चुकल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा अनुसार अपने के हाल के 35 संक्रमित के अपने के जनहर बाटे उपचार के बाद में डिस्चार्ज कइल अवस्था रहल बा वहाँ के जानकारी देनी है। पिछला समय में भारत से अपने के आवे के अधिकांश नेपाली में कोरोना संक्रमण देखल गेल बा मंत्रालय जानकारी करेल मंत्रालय द्वारा अपने जानकारी करावल बा उसे अपने के विशेष करके कहिया और कितना जना कोरोना संक्रमण देखल भाई देखा पड़ल ये भी अपनी जानकारी ग्राम सन माघ अपने के नौ गते चीन से अपने के माघ नौ गते चीन से आए एगो 32 वर्षीय पुरुष में संक्रमण पहल का देखा पड़ रहे उसे अपने के चैत्र 10 गते में फ्रांस से आए अपने के 19 वर्षीय किशोर में अपने के संक्रमण देखा पड़ रहे उसे अपने के चैत्र 12 गते अपने के यूएई से आए एगो 32 वर्षीय पुरुष में कोरोना वायरस के तीसर का संक्रमण देखल गेल है उसी अपने के चैत्र के 14 गते अपने के विशेष दिल्ली से आयल काठमांडू आयल अपने के 34 वर्षीय पुरुष में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल है उसी अपने के चैत्र 15 गते में बेल्जिंग से आयल अपने के एगो आयल अपने के 19 वर्षीय किशोरी में अपने के संक्रमण देखल गेल है उसे अपने के चैत्र 20 गते अगर बात कर जाए तो अपने के बेल्जिंग से ही आयल एगो 65 वर्षीय महिला में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल है उसे अपने के चैत्र 22 गते मात्र अपने के भारत से आयल 3 गो पुरुष में संक्रमण देखल गेल है उसे अपने के चैत्र 30 गते 3 जना में संक्रमण देखल गेल है उसे अपने के बैसाख 1 में 2 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल है उसे अपने के बैसाख 2 गते में अपने के 2 जना में अपने के पेप्सी कोला अपार्टमेंट में 2 जना के कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल है उसे बैसाख अपने के 5 गते में 14 जना के एक ही बार संक्रमण देखल गेल है अपने के यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे तीव्र रूप से बढ़ल बा अपने के 1 जना 2 जना करते हुए 3 जना तक बढ़ल बा लेकिन बैसाख 5 गते के अगर बात की जाए तो एक ही बार 14 जना में कोरोना संक्रमित अपने के भइल बा उसे अपने के बैसाख 6 गते में 1 जना में कोरोना संक्रमित भइ रहे उसे अपने के बैसाख 9 में अपने के 11 जना में एक ही बार कोरोना संक्रमित भइ रहे उसे अपने के बैसाख 10 में 3 जना में कोरोना संक्रमित भइ रहे उसे बैसाख 11 में 3 जना में कोरोना संक्रमित भइ रहे उसे अपने के बैसाख 12 गते 1 जना में कोरोना संक्रमित भइ रहे तो उसे बैसाख 14 गते अपने के 3 जना में कोरोना संक्रमित भइ रहे उसे बैसाख अपने के बैसाख 16 में अपने के 2 जना में कोरोना संक्रमित भइ रहे उसे अपने के बैसाख 17 में 3 जना में कोरोना संक्रमित भइ रहे उसे जानकारी ग्राम सर बैसाख 29 में 2 जना में कोरोना संक्रमित भइ रहे तो बैसाख अपने के 21 में 16 जना में एक ही बार कोरोना संक्रमित अपने के देखल गेल है उसे बैसाख 23 में अपने के 7 जना में कोरोना संक्रमित देखल गेल है उसे बैसाख अपने के 24 में 17 जना में कोरोना संक्रमित देखल गेल है जौन अपने के बीरगंज के अर्थात अपने के बीरगंज के छपकैया के रहे लोग 17 जना में एक ही बार कोरोना संक्रमित देखल गेल है उसे अपने के बैसाख 25 में 2 जना में कोरोना संक्रमित देखल गेल है उसे बैसाख 26 के अगर बात कर जाए तो 1 जना में कोरोना संक्रमित देखल गेल है बैसाख 27 के अगर बात कर जाए तो बैसाख 27 में अपने के 7 जना में कोरोना संक्रमित देखल गेल है तो इसे अपने के बैसाख 28 के अगर बात कर जाए तो अपने के 1 जना में मात्र कोरोना संक्रमित देखल गेल है बैसाख 29 के अगर बात कर जाए तो एक ही साथ 24 जना में कोरोना संक्रमित देखल गेल है जिनमें से 8 जना अपने के विशेष पर्सा जिला के बिरानी उसे अपने के बैसाख 30 में अगर बात कर जाए तो 83 जना में एक ही बार कोरोना संक्रमित देखल गेल है 3 गुना सीधा बढ़ल बा एक दिन के अंतराल में सीधा 3 गुना वृद्धि वैसे अपने के बैसाख 31 के अगर बात कर जाए तो 26 जना में कोरोना संक्रमित देखल गेल है जिनमें से 18 जना परसा जिला के ही रहनी वैसे अपने के ज्येष्ठ के 1 के अगर बात कर जाए तो में 3 जना में कोरोना संक्रमित दिवसों तक अपने के देखल गेल है तो इसे अगर बैसाख अपने के ज्येष्ठ अगर 2 के आज के बात कर जाए तो आज मात्र अपने के अभी तक 9 जना में कोरोना संक्रमित आज अपने के देख रहे बा इस संपूर्ण अपडेट रहा विभिन्न जगह जो अपडेट रहा अपने के बीच में जोड़
और संपूर्ण जगह के अपडेट कराओ के क्रम में हमने के जानकारी अपने क्रम सन बिरगज में आज भी अवस्था तनाव ग्रसित ही रहल बाटे और आज भी अपने के विभिन्न जगह पे बिरगज में सेना परिचालन के लिए लकटे और विभिन्न गली सब में भीतर गली सब में भी अब सेना परिचालन करके जनरल बटे गतिविधि शुरू हो चुकल है। अपने संपूर्ण में जानकारी कराते हैं प्रत्येक प्रदान से और साथ साथ में अपने संपूर्ण जगह के भी जानकारी कराम सर। अगर कहीं के भी गतिविधि अगर देख रहा बानी अपने तो जगह के वीडियो और फोटो हमने के 9896968688 पर अपने भेज सकता नहीं और इन नंबर पर अपने व्हाट्सअप कर सकता नहीं और अपने के नाम सहित हमने के वीडियो और फोटो के पब्लिश भी करें सर। साथ साथ में अपने के विशेष जानकारी कराम सर। अगर अपने नाम गोप्य रखे चाहते हैं तो अपने के नाम गोप्य भी रखा जाए भी अपने के जानकारी कराम सर। और विभिन्न जगह जो अपडेट रहा बा ये अपडेट कराओ के क्रम में बानी सर प्रत्यक्ष प्रसारण से और प्रत्यक्ष प्रसारण के जो अपडेट रहा बा पर्सा जिला के हमने अगर बात कल तो अभी 81 जना व्यक्ति के कोरोना संक्रमित व्यक्ति लोग के यहाँ पे उपचार हो रहा संपूर्ण में अगर बात कल जाए तो 91 जना व्यक्ति के उपचार हो रहा प्रदेश नंबर 2 के ही बात कल जाए तो प्रदेश नंबर 2 में अभी तक 105 जना व्यक्ति के कोरोना संक्रमित अपने के प्रदेश नंबर 2 में मात्र अपने के रहा टोटल कोरोना संक्रमित के संख्या जो रहा 249 रह बा जिनमें से 105 गो कोरोना संक्रमित अपने के प्रदेश नंबर 2 में मात्र अपने रह बा। विभिन्न जगह के जन अपडेट रह बा अपने के हर एक दिन सुबह के 7:20 में और अपने के रात के 9 बजे अपने के बीच में प्रत्यक्ष प्रसारण लेके आ रहा है सर। हमने के यूट्यूब पर भी जाके और यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं विजन संजाल टीवी और अपने जाके सब्सक्राइब करी और सबसे पहले अपने के वीडियो प्राप्त करी। ये कहते हुए प्रत्यक्ष प्रसारण से संपूर्ण के बीच से हमने छुटे चाहें।